हेलो फ्रेंड्स, माया इंडियन फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और बीन्स की सब्जी। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। ये है हमारी बीन्स। ये 500 ग्राम बीन्स है, हमने धो के इसको काट लिया है। और ये हमारे 500 ग्राम ही आलू हैं, इनको भी हमने धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये हमारे 3 टमाटर हैं, ये इनको भी हमने काट लिया है। और ये हमारे 2 बड़े प्याज हैं, इनको काट लिया है हमने बारीक। और ये अदरक है 1 गट्ठी। और ये लहसुन की कलियाँ, 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं, इनको हमने थोड़ा मैश कर लिया है। और ये हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च है। अब हम जला लेते हैं गैस को। हमने गैस जला लिया, अब हम इसको बर्तन के ऊपर रख देते हैं, इसको थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल बीन्स बनाने के लिए। अब तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। उस बाद में डालेंगे इसमें साथ ही 2 कटे प्याज। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक और साथ में लहसुन की कलियाँ जो हमने दरदरी कर रखी हैं, और साथ में डाल देंगे हरी मिर्ची। अब इसको 5 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए होने देंगे, जब तक ये ब्राउन नहीं होता। इसको पकने देंगे, इसको गोल्डन सुनहरा होने देते हैं। हमारे प्याज मसाला गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया इसको, अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद में डालेंगे इसमें मसाले। अब हमारे टमाटर थोड़े पक चुके हैं, 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल रखी है। और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि नीचे ना लगे। और इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे कि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए और नीचे ना लगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो हमारी बीन्स की और आलू की सब्जी अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। अभी हम इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देते हैं और ढक देते हैं। मसाला हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें नमक डाल दिया, अब इसे अच्छे से लगा देंगे और इसको 2 मिनट के लिए फिर पकने देंगे, ताकि हमारे टमाटर और मसाला अच्छे से मैश हो जाए, अच्छे से पक जाए। फिर हम डालेंगे इसमें बीन्स और आलू की सब्जी। अब हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है, देखिए इसने तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आलू और बीन्स की सब्जी। अच्छे से तैयार है ये, हम डाल देते हैं इसमें बीन्स। अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। अब
अच्छे से मिक्स हो चुकी है ये। अब हम इसमें डालेंगे, 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा पकने देंगे, फिर इसमें डालेंगे हम आलू की सब्ज़ी। अब बीन्स को 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे आलू। यह है हमारे कटे हुए आलू 500 ग्राम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके इसको हम 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट के लिए ढक देंगे इसको। अभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हमारे आलू इसमें। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक देते हैं और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब हमारी आलू बीन्स की सब्जी पूरी तैयार हो चुकी है। 15 मिनट हो चुके हैं, इसको पूरी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये देखिए आलू अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए देखिए अच्छे से पक चुके हैं। अब हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और ये देखिए अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल आलू गल चुके हैं इसमें। अब इसमें पूरी तैयार है ये, इसको 15 मिनट हो चुके हैं, बनकर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। गैस को कर देते हैं बंद। हमारी आलू और बीन्स की सब्जी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।